ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के सामने आ रही अनेकों प्रकार की समस्याओं को लेकर आज उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ द्वारा सहारनपुर हकीकत नगर रामलीला ग्राउंड में धरना प्रदर्शन किया गया। सफाई कर्मचारियों के जिला अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि सफाई कर्मचारियों के सामने मुख्य रूप से ऑनलाइन हाजिरी की समस्या आ रही है, जिसको लेकर आज ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। और वहीं सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी 50-50 किलोमीटर पर लगाई जा रही है। महिला सफाई कर्मचारियों को भी काफी दूर भेजा जा रहा है, जिससे हर समय महिलाओं की जान का खतरा बना रहता है। वहीं जिला अध्यक्ष ने बताया कि सहारनपुर रामलीला ग्राउंड से रैली के रूप में सभी सफाई कर्मचारी सहारनपुर मुख्यालय जिला कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और वहां पर अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सरकार को सौंपेंगे। मेरा नाम सुलेख चंद, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ। किस संबंध में आपका आज प्रांत आह्वान पर जो ऑनलाइन हाजिरी है उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन है। ऑनलाइन हाजिरी का ये मतलब है कि हमारे आधे से ज़्यादा कर्मचारी साक्षर पर भर्ती हो, अक्षाक्षर पर यह भर्ती हुई थी। अगर हमारे टेक्निकल में सरकार गिनती हो तो हमारा प्रमोशन खोल दिया जाए। हमें ऑनलाइन हाजिरी से फिर कोई दिक्कत नहीं है और हमारी हाजिरी एक जगह लगा, या तो ऑनलाइन लगा या प्रधान के यहाँ लगा। फिर हम प्रधान के यहाँ पैरोल पर साइन नहीं करवाने के, फिर हम ऑनलाइन हाजिरी से हमारा वेतन निकला। क्या क्या समस्या देखने को मिल रही है ऑनलाइन हाजिरी? समस्या ये देखने को मिल रहा है कर्मचारी की नियुक्ति 50-50 किलोमीटर दूर है, महिला की नियुक्ति 50-50 किलोमीटर दूर है और जो ज़्यादातर इसमें सफाई कर्मचारी अनपढ़ है और अनपढ़ होने की वजह से हमें फ़ोन का यूज नहीं कर सकते। टेक्निकल मतलब ट्रेड में आ जाता ना, तो इसलिए ज़्यादा परेशानी ये हो रही। तो इससे पहले भी कभी आपने इसके अधिकारियों को अवगत नहीं कराया आपने? हाँ, जब इसकी पहला चर्चा हुई थी तो प्रांतीय आह्वान पर भी मतलब मैंने मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा गया था और मंडल स्तर पर भी करा गया था और अब जिले स्तर पर प्रोग्राम लगाया जा रहा।